मैडम जी, अंदर जाने से पहले रजिस्टर पर साइन कर दीजिए। अरे ये कौन है? मैं नई वॉचमैन हूँ, मेरे पति की तबीयत खराब है तो उनकी जगह मैं ड्यूटी कर रही हूँ। यार हम आते तो इसी ऑफिस में है ना, फिर क्या ये रोज रोज के ड्रामे लगा रखे हैं एंट्री करने का? और ये एंट्री करने का काम ना तेरा है, ना कि हमारा। मैडम जी आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे गुस्सा नहीं करें तो और क्या करें? हाँ सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया हमारा। खुद तो तेरा कुछ काम है नहीं, बस सारा दिन यहाँ पे खड़े रहो और मुफ्त की सैलरी लो। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, हम भी बहुत मेहनत करते हैं, धूप में बारिश में अपनी ड्यूटी करते हैं, पर आप लोग अंदर एसी में बैठकर काम करने वाले हमारी परेशानी क्या समझेंगे? हिम्मत तो देखो इसकी, एक मामूली से वॉचमैन होकर कैसे जवान चला रही है, हमसे जवान चलाएगी? हाँ मैडम जी आप बस ई रजिस्टर पे साइन कर दीजिए और हमें और भी बहुत काम है। यार ये तो पीछे ही पड़ गई, अब लगता है इसके कंप्लेन ना बॉस से करनी पड़ेगी। सही कह रही है तू, जब देखेंगे कितना मुंह खुलता है इसका। एंट्री तो हम करेंगे ही नहीं, चल यार चल। अरे मैडम जी, ओ शिट, क्या हुआ? जो इम्पोर्टेंट फाइल बॉस को सबमिट करनी थी वो तो जल्दी जल्दी में घर ही रह गई, अब क्या करूं मैं? तो अब थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, बॉस मुझे छोड़ेंगे नहीं, और इस टाइम पे तो मैं घर भी नहीं जा सकती, अगर घर गई तो लेट हो जाऊंगी। अरे यार तू टेंशन मत ले, ये किस दिन काम आएगी, इसको बोल फाइल लेके आने को, और सुन बदले में 10-20 रुपए दे दिया, बहुत है इसके लिए। क्या बात है यार, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तू रुक अभी, ए वॉचमैन इधर आ, सुन मेरा एक काम कर, मैं ना अपनी इम्पोर्टेंट फाइल घर ही भूल कर आई हूँ, तो तू फटाफट से जा और वो फाइल लेकर आ, मैं तुझे इस काम के ना पूरे 10 रुपए दूंगी, अब जा जल्दी। लेकिन मैडम मैं तो ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी टाइम में मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, हम बात कर लेंगे। नहीं मैडम मैं ऑफिस टाइम में सिर्फ ऑफिस का ही काम कर सकती हूँ, किसी का पर्सनल काम नहीं। मेरी नौकरी यहाँ पे दांव पे लगी हुई है, और अगर वो फाइल टाइम पे नहीं आई तो बॉस मुझे छोड़ेंगे नहीं, और तू है कि अपनी ज्ञान देने से बाज नहीं आ रही है। यार मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों में इतनी अकड़ आती कहाँ से है। छोड़ यार इसे तो बाद में देख लेंगे, अभी मैं मीटिंग के लिए लेट भी हो रहा है, और अगर हम लेट पहुंचे ना बॉस गुस्सा करेंगे। चल सर मे आई कम इन? कम इन, हाँ बताइए। सर आपने बोला था कि इस मंथ हमारी सैलरी बढ़ेंगे, तो सर कब आएगी वो सैलरी? आपको आपकी सैलरी मिल भी जाएगी और आपकी सैलरी बढ़ भी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, मुझे शर्मा की फाइल चाहिए और वो फाइल मेरे घर पर है, तो आप लोग जाओ और वो फाइल लेके आओ, और साथ ही जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी सफाई भी कर देना, क्योंकि सफाई वाले भैया आ जाए नहीं है। सर लेकिन क्यों? हाँ सर ये काम हमारा थोड़ी है। अगर आपको अपनी सैलरी चाहिए और अपनी सैलरी बढ़वानी है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, जाइए। सर लेकिन ये तो गलत बात है ना, हम आपके एम्प्लॉय हैं, हमारा काम है ऑफिस वर्क करना, न कि आपके पर्सनल काम करना। हाँ सर और हमारा काम तो सिर्फ ऑफिस का वर्क है। लेकिन आपको ये बात उस वक्त तो समझ में नहीं जब आप उनसे अपना पर्सनल काम करवा रहे थे, जब मैंने आपको अपना काम बोल दिया ऑफिस का तो आपको ऑफिस का और अपना पर्सनल काम दिख रहा है, ऐसा क्यों? तब तो आपको ये बात एहसास नहीं हुई, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? वॉचमैन से भी तो आपने अपना पर्सनल काम करवाया था, उनका काम है ऑफिस का ध्यान रखना, जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी एंट्री करना, लेकिन आपने क्या किया, उनसे अपना काम करवाने की कोशिश की। सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना झूठ मत बोलो, मुझे सब सच बताएं। मैम। जी सर। आपने इनके साथ क्या किया था? आपने इनके साथ बदतमीजी की, इनको नीचा दिखाया, कहिए अब आप चुप क्यों हैं? आप लोग इतने बदतमीजी की मैम से आपने सॉरी भी नहीं बोला, आप सॉरी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैम आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको अलग से कहना पड़ेगा, चलिए सॉरी कहिए। सॉरी सर, सॉरी मैम। आपको पता है इनके हस्बैंड इस कंपनी के वॉचमैन है, काफ़ी सालों से बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी जगह ये ड्यूटी कर रहे हैं, और हर रोज़ अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन तुम जैसे कुछ एम्प्लॉय की वजह से इनको हमेशा प्रॉब्लम होती है। आप लोग सोचते हैं कि आप इनके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और आपने जो गलती की थी वो सब कुछ मैंने सीसीटीवी के जरिए देख लिया था। मैं चाहता तो उस वक्त नीचे आ सकता था और आप लोगों को सबक सिखा सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं आया, और मैंने ये सब आप लोगों को गलती का एहसास दिलाने के लिए ही किया था। इन जैसे लोगों को आप जैसे लोग हमेशा दबाते रहते हैं, आप सोचते हैं कि ये लोग आपके नीचे काम कर सकते हैं या फिर आप जो इनसे करवाएंगे ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर आप इनसे प्यार से कहेंगे तो सारा काम कर देंगे, और आप इनसे अगर जबरदस्ती करवाते हैं तो ये आपकी एक बात भी नहीं सुनेंगे। ये इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई करता तो आपको कैसा फील होता, बताइए कैसा फील होता आप दोनों को? ये इतना सब कुछ पता है क्यों सहन करते हैं? सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि अपना घर चला सके। लेकिन आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप सबको सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं। आपके माता पिता हर चीज़ आपको दे देते हैं जो आपको चाहिए। जब आप मेहनत करके वो चीज़ लेंगे तब आपको उसकी चीज़ की कदर होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी बात कभी समझ में आएगी, और आपको इन जैसे लोगों की भी बात समझ में आएगी। इसीलिए आपकी सजा यही है कि आप हमारे ऑफिस में और काम नहीं कर सकते। सॉरी सर, प्लीज़। आपने माफ़ी वाली गलती की नहीं, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको ऐसे कैसे माफ़ कर सकते हैं? और आपके इसी गलती के लिए आपको आपकी ना सैलरी मिलेगी, ना आपको अब इस कंपनी में जॉब मिलेगी, क्योंकि हमारी कंपनी आपको इस कंपनी से निकाल रही है। और हमें ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो इतना बदतमीज़ हो, जो लोगों के साथ मिसबिहेव करे। दोबारा ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, वरना इस बार तो मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार इससे बुरा होगा। मैम, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए, और हाँ, दोबारा आसपास दिखना भी मत। चलिए जाइए, निकलिए। चलिए मैम। मैम, आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी है? सर, पहले से थोड़ा ठीक है। गुड गुड, उनका ध्यान रखिए, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपको पता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसी हरकत किसी के साथ भी ना करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हम सभी को सम्मान अधिकार है। तो प्लीज़ कभी भी आप किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का मॉरल कैसा लगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से शेयर कीजिए, और बस शेयर तो करना ही है, जल्दी शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।